देखो बेटा, बात कर रहे हैं आज किसके बारे में अपन लोग, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पूरे प्रोसेस को समझ रहे हैं फिर से। अब तक बार बार पढ़ चुके हैं, दोबारा से वही चीज रिपीट हो रही है। देखो सबसे पहला क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करना। आइसोलेट करना मतलब निकालना सेल से। अब डीएनए को सेल से कैसे निकालोगे, डीएनए को सेल से कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो सेल की सेल वॉल को हटाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे, सेल की सेल वॉल को हटाओगे। कैसे हटाओगे सेल वॉल को, एंजाइम्स को यूज करके, है ना। तो अगर मैं यहां पे बात करूं सबसे पहले पार्ट की, फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सारे पार्ट में ही आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, है ना। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए में सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिग्रेड करेंगे, हाँ वेरी गुड, सेल वॉल को, सेल वॉल लिखते हैं अभी, है ना। हाँ सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल रहेगी नहीं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो डिग्रेड कर रहे हैं सेल वॉल को या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब देखो अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज। तो प्लांट में क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज। सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो क्या होगा, हाँ एंजाइम जो चाहिए वो क्या होगा, सेलुलेज एंजाइम। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, पेप्टाइडो, हाँ पेप्टाइडो ग्लाइकेन की बनी होती है ना। और इसके लिए कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, हाँ लाइसोजाइम। ये याद होना चाहिए बच्चों, ये याद होना चाहिए, है ना, लाइसोजाइम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, फंजाई के बारे में, तो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी हुई है, काइटिन की। और काइटिन के लिए कौन सा एंजाइम लेंगे, हाँ काइटिनेज। तो इनसे सबसे पहली स्टेप हमने क्या की, सबसे पहली स्टेप की हमने डिग्रेड किया सेल वॉल को। अब सेल वॉल को डिग्रेड करने के बाद कौन आ गया, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में डीएनए के साथ साथ सेकंड न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, उसके साथ में आरएनए भी होगा, उसके बाद में प्रोटीन्स भी होंगे। कौन से प्रोटीन होते हैं, नॉर्मली हिस्टोन प्रोटीन्स, लेकिन यूकैरियोट में हिस्टोन है, प्रोकैरियोट में कौन से होते हैं, न्यूक्लियोइड्स। नाम बताओ, न्यूक्लियोइड्स पढ़ाया तो है। अरे नॉन स्टोन तो यूकेरियोट में भी होते हैं साथ में, है ना, हाँ भूल गए। अब देखो हमें तो सिर्फ कौन चाहिए न्यूक्लियस में, डीएनए चाहिए, लेकिन हमें तो आरएनए और प्रोटीन फ्री में मिल रहे हैं, क्या फ्री की चीज चाहिए, नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आरएनए को हटाएंगे, आरएनए को रिमूव करेंगे। और आरएनए को रिमूव करने के लिए मुझे कौन सा एंजाइम चाहिए, हैं आरएनए, हाँ बोलो कौन सा चाहिए, आरएनए चाहिए, राइबो न्यूक्लियस चाहिए। भाई क्या कर रहे हो, हाँ राइबो न्यूक्लियस, हाँ कोई बात नहीं, हम राइबो न्यूक्लियस बोलेंगे, एक बात हो या दो बात हो, ठीक है, एनसीईआरटी में राइबो न्यूक्लियस बोला है तो हम राइबो न्यूक्लियस याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा प्रोटीन को रिमूव करने के लिए बेटा क्या चाहिए, हाँ प्रोटीएज, है ना, ठीक है, प्रोटीनिएज एंजाइम चाहिए। अब क्या हुआ, अब यहां से आपको क्या मिल गया, थर्ड आपको मिल गया प्योर डीएनए, प्योर डीएनए मिल गया। लेकिन अब प्योर डीएनए भी यार देखो अलग अलग है, तो उसको हमें एक साथ चाहिए ना, तो एक साथ करने के लिए हम क्या डालते हैं उसमें, चिल्ड इथेनॉल, है ना, यानी पैक बनाया उसमें बर्फ डाली और उसको डाल दिया, है ना, ठीक है। तो प्योर डीएनए चिल्ड इथेनॉल बनाया डाला, सॉरी प्योर डीएनए में चिल्ड इथेनॉल डाला। अब चिल्ड इथेनॉल का क्या काम है, वो क्या करेगा, डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। तो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट आउट डीएनए। अब डीएनए को उसने प्रेसिपिटेट आउट कर लिया। अब एक बार डीएनए प्रेसिपिटेट आउट हो गया, इसका मतलब आपको डीएनए मिल गया है। सेकंड क्या बोला, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, बोलो
अब क्या करना पड़ेगा, अब पूरा डीएनए तो अपने को चाहिए नहीं, अपने को डिजायरेबल जीन चाहिए जिसका अपने को यूज करना है। तो सेकंड स्टेप ने क्या बोला, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, यानी डीएनए को काटना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर सीजर लानी पड़ेगी। तो किसको यूज करेंगे, यूज करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। किसको यूज कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। नेक्स्ट आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को बाहर भी तो निकालना है अलग से, और उसके लिए कौन सी टेक्निक आप लोगों ने पढ़ी थी, जेल, वेरी गुड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो सारी चीजें हमने पढ़ चुकी हैं, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर में पढ़ी है। जो नहीं पढ़ी है, जैसे ये नहीं पढ़ा था आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। नेक्स्ट लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर। अब क्या कर रहे हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को लाइगेट मतलब जोड़ रहे हैं, तो जोड़ेंगे कैसे, डीएनए लाइगेस की हेल्प से। तो क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे डीएनए लाइगेस एंजाइम को। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। होस्ट के अंदर क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करना है। अब यहां कहानी बदल गई है ना, अब यहां पे चीजें चेंज हो जाएंगी। कैसे चीजें चेंज होंगी, देखो मैंने बोला ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। अब यहां पे देखो आपके पास डीएनए है, और डीएनए कैसा होता है नेचर में, हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है नेचर में, हाइड्रोफिलिक है ना। अब यहां पे हम इस पूरे पार्ट में इसके बारे में लिखते हैं, इस पूरे पार्ट में इसके बारे में लिखते हैं। डीएनए हाइड्रोफिलिक है, डायरेक्टली अंदर नहीं जाएगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहली टेक्निक, सबसे पहले आप डीएनए को प्लेस करोगे है ना, किसके साथ प्लेस कर रहे हो, प्लेस विथ प्लाज्मिड है ना। हाँ, क्योंकि प्लाज्मिड ही तो वेक्टर है अपना, ठीक है। तो फ्रेगमेंट, हाँ यानी ऐसे लिखते या विथ सेल लिखे, विथ होस्ट सेल लिखते हैं ना, ज्यादा अच्छा लगेगा, विथ होस्ट सेल, विथ होस्ट सेल। तो डीएनए प्लेस किया विथ होस्ट सेल इन इन आइस, आइस बर्फ में डाला। अब बर्फ में डालने के बाद फिर उसको वहां से बाहर निकाल के 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखा, और फिर उसके बाद अगेन उसको किस में डाला, आइस में डाला। अब इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो आपका डीएनए है वो होस्ट सेल के अंदर चले जाएगा। डीएनए मतलब हमारा प्लाज्मिड है ना, क्योंकि हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं ना, तो वेक्टर को लिख, यहां पे वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर या प्लाज्मिड है ना। पहली टेक्निक तो ये हो गई, क्लियर है। दूसरी टेक्निक बोलो क्या हो सकती है, वेरी गुड, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। तो सेकंड टेक्निक क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन हम लोग नॉर्मल एनिमल्स में यूज करते हैं, एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं, प्लांट सेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, जीन गन, और क्या बोलते हैं उसको, हाँ तो सी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, जीन गन, ठीक है, या जीन गन को ही और हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा, बायोलिस्टिक्स, बी आई ओ है ना, हाँ बी आई ओ एल आई एस टी आई सी एस, जीन गन या बायोलिस्टिक्स। इसमें क्या होता है, इसमें बम्बार्डमेंट होती है। बम्बार्डमेंट का मतलब शूट करना गोली की तरह, बम्बार्ड रहना तो टकराना बहुत बहुत तेज स्पीड से किसी चीज को टकराने को क्या बोलते हैं, बम्बार्डमेंट। जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन या कुछ भी पार्टिकल बहुत तेज मेरे हाथ से टकराया तो बम्बार्ड हुआ, यानी टकराया, तो बम्बार्ड मतलब टकराना होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, बम्बार्डमेंट होगा, ठीक है ना, ऑफ डीएनए, डीएनए का बम्बार्डमेंट हो रहा है। अब यार ऐसे डीएनए या वेक्टर बोल दो, डीएनए या वेक्टर बोल दो, वेक्टर का क्या हो रहा है, बम्बार्डमेंट हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पे हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं कि आपने प्लाज्मिड को फेंक के मार दिया, प्लाज्मिड को रैप करते हैं ना, किसके ऊपर करते हैं जरा बताओ फटाफट, गोल्ड या फिर
टंगस्टन है ना, तो यहां पे क्या होता है वेक्टर रैप्ड विथ गोल्ड या फिर टंगस्टन, ठीक है ना। तो गोल्ड टंगस्टन मेटल्स है, तो इनके साथ क्या किया, इनके ऊपर डीएनए को रैप किया और रैप करके सीधे शूट कर दिया, अब वो सेल के अंदर एंटर हो गया। बोलो यही दिए हुए, और भी कोई दिया है क्या? हाँ कौन सा? हाँ वेरी गुड, एक और दिया हुआ है बेटा, शाबाश। डी डिसआर्म्ड, हाँ डिसआर्म्ड पैथोजेंस, ठीक है डिसआर्म्ड पैथोजेंस। क्या होते हैं डिसआर्म्ड पैथोजेन? पहली बात तो पैथोजेन कौन होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं यार? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नुकसान पहुंचाते हैं, वो वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया उनको डिसआर्म कर दिया। डिसआर्म करने का मतलब क्या है? अब वो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे आपको। डिसआर्म करने का मतलब क्या है? अब वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। हाँ एकदम। अब अगर वो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अब उनमें अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को डालो, अपने प्लाज्मिड को, और अब वो जाकर के उसको इन्फेक्ट कर देंगे प्लांट या एनिमल को। याद है कल पढ़ा था एजोबैक्टीरियम, याद आ रहा है? एग्रोबैक्टीरियम, और क्या था? और रेट्रोवायरस, है ना। तो वो डिसआर्म्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो, यानी डिसआर्म्ड पैथोजन बोल सकते हैं उनको, है ना। तो डिसआर्म्ड पैथोजन की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्लियर है, अपने वेक्टर को। चलो कितनी टेक्निक हो गई, फिफ्थ हो गई। नेक्स्ट आती है कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल। इसी में हम लोग पढ़ते हैं पीसीआर। तो इसी के अंदर क्या पढ़ेंगे? पीसीआर। तो अभी दो मिनट में इसको एक्सप्लेन करके अब मैं आपको पीसीआर डिटेल में पढ़ाऊंगा, दो मिनट दे दो मुझे बस। और उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। डिजायर्ड प्रोडक्ट का हमने क्या किया? एक्सट्रैक्शन किया। अब एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? बोलो किसकी हेल्प से करते हैं? हाँ बोलो, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ बायोरिएक्टर्स, है ना। हाँ बायोरिएक्टर्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इनको सेपरेट बहुत अलग से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पता चला? बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? पक्का नहीं है? दो मिनट के अंदर नोट करो, आफ्टर दैट अपन लोग पढ़ेंगे फिर पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लो नोट। चलो तो बेटा देखो अब बात कर रहे हैं किसके बारे में हम लोग, पीसीआर टेक्निक के बारे में, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। अब देखो क्या है पीसीआर टेक्निक, हम इसमें क्या कर रहे हैं? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्या किया है, अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट किया है ना, यानी एक जीन ली। अब हमें क्या करना है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो उसकी मल्टीपल कॉपीज कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीनेचुरेशन करेंगे। डीनेचुरेशन का क्या मतलब होता है? देखो आपके पास डीएनए का सेगमेंट है, दिख रहा है 3 प्राइम और ये 5 प्राइम और ये वाला 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब इनके बीच में बॉन्ड्स भी होंगे जो भी आप, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है बेस पेयर्स के बीच में, दिख रहा है बेटा, है ना। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो डीएनए फ्रेगमेंट है, ये जो डीएनए का फ्रेगमेंट है ना, इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, इस डीएनए फ्रेगमेंट को सबसे पहले हमें अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, इसका करेंगे डीनेचुरेशन। क्या करेंगे? हाँ डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब डीनेचर्ड करना। क्या करना? डीनेचर्ड करना। डीनेचर्ड करना मतलब उसको ब्रेक कर देना, है ना। अब डीनेचर्ड कब कैसे करते हैं? हाई टेम्परेचर पे करते हैं, यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यानी टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज करते ही डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये 3rd प्राइम, ये 5 प्राइम और ये दूसरा फ्रेगमेंट जो होगा 3rd प्राइम और 5 प्राइम, दोनों फ्रेगमेंट्स क्या हो गए बेटा, अलग अलग हो गए डीएनए के। अब क्या होगा, अब फ्रेगमेंट्स के अलग होने के बाद हम इसमें कराएंगे एनेलिंग। एनेलिंग क्या होता है? हाँ मैं बताता हूं, अब हम क्या करेंगे, एनेलिंग करेंगे। एनेलिंग कराने, इसको थोड़ा सा ऊपर बना दूं ताकि थोड़ी जगह बच जाएगी,
अब दोनों फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो गए, क्या नाम था, थर्ड प्राइम और फाइव प्राइम, है ना, ताकि यहाँ पे पूरी जगह आ जाएगी ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी एनलिंग करेंगे। एनलिंग के टाइम पर होगा क्या, ये जो आपके दोनों एंड है थ्री प्राइम और ये फाइव प्राइम, और ये वाला थ्री प्राइम और फाइव प्राइम, यहाँ पे हम लोग, हाँ बोलो, हाँ थ्री तो है ये, हाँ ये थ्री था, थ्री प्राइम और फाइव प्राइम। अब एनलिंग के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग प्राइमर को ऐड करेंगे, है ना, और प्राइमर हमेशा किस साइड ऐड होता है, हमेशा थर्ड प्राइम एंड पर प्राइमर ऐड होगा। तो ये क्या है, ये आपका प्राइमर, और प्राइमर होता क्या है, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड का सेट होता है ना। तो केमिकली केमिकली प्रिपेयर्ड ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड पेयर, है ना, ठीक है, या सेट बोल दो ज्यादा अच्छा लगेगा, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड का एक सेट है। अब प्राइमर का काम क्या है कि प्राइमरी इनिशिएट कराएगा किसको, रेप्लिकेशन को, डीएनए रेप्लिकेशन को। अब इसके बाद क्या आएगा, अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे अब एंजाइम आ जाएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज। तो अब यहां पे कौन एंजाइम आया, देखो ये आ गया, ये आ गया, कौन एंजाइम है ये एंजाइम है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, कौन है, डीएनए पॉलीमरेज। इसी को हम बोलते हैं टेक पॉलीमरेज, है ना, क्या बोलते हैं इसी को बेटा हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं टेक पॉलीमरेज। और जो टेक पॉलीमरेज है इसको हम कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये जो है हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम थर्मस, थर्मस एक्वेटिकस, किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस से एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्यों टेक पॉलीमरेज को यूज किया, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे डीनेचर्ड नहीं होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉट डीनेचर्ड, ऐसे लिखते हैं ना, नॉट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ये डीनेचर्ड नहीं होता है ना। और अब ये क्या करेगा, अब ये फर्दर अपना डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, दिख रहा है सबको, और डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के बाद अब क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, है ना, और एक्सटेंशन में क्या होगा, ये प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आपके अलग अलग, अरे ब्लैक से लेते हैं ना, हाँ, अब आपके अलग अलग डीएनए के बहुत सारे सेगमेंट्स बनते जाएंगे, है ना, बहुत सारे आपके डीएनए के सेगमेंट्स बनते जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन, और एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है बच्चों, एम्प्लीफिकेशन में आपका लगभग 30 साइकल्स ये पूछा जाएगा, कितनी साइकिल रन हो रही है, तो कितनी साइकिल रन हो रही है, 30 साइकिल्स रन हो रही है, जिससे आपके लगभग लगभग 1 बिलियन डीएनए फॉर्म्ड हो जाएंगे, लगभग कितने फॉर्म होंगे, नियरली 1 बिलियन डीएनए फॉर्म होंगे 30 साइकिल्स में। अब यहां साइकिल का खेल अगर एग्जामिनर चाहे तो खेल देगा कि 30 में 1 मिलियन है, 1 बिलियन है, तो 15 साइकिल में कितने होंगे, 10 में कितने होंगे, बता पाओगे, है ना। और अब जब आपके यहां पर 30 यानी 1 बिलियन डीएनए फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोला। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है, पक्का नहीं है, अरे बोलो नहीं है। अब क्या होगा, अब ये जो आपने डीएनए बनाया है ना, अब इन डीएनए को क्या करना पड़ेगा, होस्ट सेल में डालना पड़ेगा, होस्ट सेल में डालना पड़ेगा, याद आ रहा है, देखो कल का बताता हूं, रुक जाओ, ये आपके डीएनए थे, कल वाली बता रहा हूं, यहां बताता हूं, ब्लैक से बताऊंगा, देखो ध्यान करो, यहां पे मैंने बोला था कि आपके मतलब मानो 100 डीएनए, और आपने उन 100 डीएनए को डाला किसमें, 100 प्लाज्मिड में, किसमें डाला,
100 प्लाज्मिड में। अब क्या सारे प्लाज्मिड डीएनए को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्या पता आपके 20 प्लाज्मिड ने एक्सेप्ट किया और बाकी 80 प्लाज्मिड ने एक्सेप्ट नहीं किया और 20 ने एक्सेप्ट किया। याद करो, याद आ रहा है? अब ये जो 20 प्लाज्मिड है जिन्होंने आपके डीएनए को एक्सेप्ट कर लिया है, अब हम प्लाज्मिड कौन सा लेते हैं? प्लाज्मिड हम लोग नॉर्मली वो ले रहे हैं जिस पर कोई ना कोई जो है रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट हो। जैसे मैंने बोला टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, मैंने बोला एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इनमें से कोई ना कोई अपन जीन की बात कर रहे हैं ना। अब हुआ क्या, मैंने ये जो प्लाज्मिड है मेरे 20, इनको मैंने डाला ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई मैंने आपको पहले ही बताया था, हर बार कुर्बानी दे रहे ई कोलाई की, किस लिए? क्योंकि ई कोलाई के पास कोई भी रेजिस्टेंट जीन नहीं होती। तो अब ये जो ई कोलाई है, देखो यहां बनाया मैंने, ये जो ई कोलाई है इसके अंदर जब आपका प्लाज्मिड आ गया है, तो अब भाई ई कोलाई तो बहुत सारी है बच्चों, ई कोलाई में बहुत सारियों में डाला है ना। अरे बोलो, लेकिन हुआ क्या, जब इस ई कोलाई को हमने ग्रो किया एम्फिसलिन में, एम्फिसलिन में, तो हमारा जो प्लाज्मिड था इसके पास एम्फिसलिन रेजिस्टेंट जीन थी, एम्फिसलिन रेजिस्टेंट जीन थी, तो हमारा जो ई कोलाई है जिसमें हमारा प्लाज्मिड गया वो जिंदा बच जाएगा। लेकिन क्या ये जो 80 प्लाज्मिड है इसके पास एम्फिसलिन रेजिस्टेंट जीन है क्या? नहीं है, क्योंकि ई कोलाई में नहीं है। समझो, दोबारा दोबारा बता दूं, एक बार दोबारा बता दूं। देखो, आपने लिया ई कोलाई, आपने लिया ई कोलाई, ई कोलाई के अंदर नो रेजिस्टेंट जीन, कोई रेजिस्टेंट जीन नहीं है, ठीक है। साथ में आपने क्या लिया, प्लाज्मिड लिया जिसके पास एम्फिसलिन रेजिस्टेंट जीन। बोलो यहां तक क्या आप लोग क्लियर हो गया? अब हुआ क्या, सारे ई कोलाई के पास हमारा प्लाज्मिड नहीं आ पाया, मानो 20 ई कोलाई के पास हमारा प्लाज्मिड आ गया, प्लाज्मिड रिसीव हो गया, लेकिन बाकी 80 ई कोलाई के पास हमारा प्लाज्मिड एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब हमें कैसे पता कि कौन से वो 20 ई कोलाई है जिनके पास हमारा प्लाज्मिड है, कैसे पता? तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक मीडियम लिया जिसमें क्या डाल दिया, एम्फिसलिन डाल दिया, एम्फिसलिन डाल दिया। अब इन एम्फिसलिन में जब हमने अपने ई कोलाई को डाला, तो पता पड़ा जिन ई कोलाई के पास हमारा प्लाज्मिड था वो जिंदा है, क्योंकि उनके पास तो रेजिस्टेंट की जीन है। जिनके पास कोई जीन नहीं थी, यानी जिनके अंदर हमारा प्लाज्मिड नहीं आया, वो ई कोलाई क्या हो गए, वो ई कोलाई मर गए। तो हम क्या करेंगे, जिंदा ई कोलाई को निकाल लेंगे। बोलो पता चला? अरे बोलो। तो इस तरह से हमारा पीसीआर और पीसीआर के साथ इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट सेल होता है समाप्त। अब कल हम लोग बायोरिएक्टर पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट कर लो।